हेलो, आई एम वीना दिराश्री फ्रॉम बदलीगेड़ा, रेडी फॉर स्टार्ट। रिस्क जो पोइम है कल अपन ने रीडिंग की थी, आज हम इसको ट्रांसलेशन भी साथ साथ देख लेते हैं। वैसे ट्रांसलेशन से क्या है, कविता का इन्जॉयमेंट ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पर थोड़ा सा अपन अपने हिसाब से कर लेते हैं। जैसे टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, मीन्स अगर हम हंसते हैं तो उसमें लोग हमें मूर्ख समझ सकते हैं, इसका खतरा रहता है। लेकिन इस खतरे के वजह से क्या हम हंसना छोड़ देंगे? रिस्क उठाना पड़ता है और उठाना भी चाहिए। तो यहाँ जेनेट रेन कवि कहते हैं कि हंसी में भी मूर्ख दिखने का खतरा है। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, अगर हम रोते हैं, रो पड़ते हैं, अगर हम अपने दुख व्यक्त कर देते हैं तो इससे लोग हमें सेंटिमेंटल, संवेदनशील, भावुक समझ सकते हैं। लेकिन इस डर से क्या हम अपने भावनाओं को दबा के रखें? नहीं। कवि कहना चाहता है कि खतरे उठाने चाहिए, रिस्क उठाना चाहिए। जैसे टू रीच आउट फॉर अनादर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, अगर हम अनादर व्यक्ति के पास रीच आउट करते हैं, पहुँचते हैं दूसरों की मदद करने के लिए, तो वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट का खतरा रहता है कि हम भी उनमें शामिल हैं, उनके साथ हैं, उनके जैसे हैं, जबकि हम उस कंडीशन में नहीं हैं। लेकिन इस डर से क्या हम दूसरों की हेल्प नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे? मदद करना अच्छा है, तो हमें रिस्क उठाना चाहिए। जब मौका मिले किसी की मदद करने का तो हमें रीच आउट करना चाहिए टू अनदर पर्सन। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, अन्य उदाहरण जैसे लोग, आप अगर अपनी फीलिंग को एक्सपोज करते हो, अगर आपके मन में जो भावनाएं चल रही है किसी के प्रति, आपके दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, तो अगर आप अपनी भावनाओं को उनको बता देते हो तो इससे ये खतरा रहता है कि आपके बारे में सामने वाला या अन्य व्यक्ति सच्चाई जान जाएगा कि आप ये रखते हैं। तो क्या इस डर से हम अपनी भावनाएं नहीं बताएंगे? बतानी चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। ऐसे ही और एग्जाम्पल देखिए आप, टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बींग कॉल्ड नेव, अगर आप आपके आइडिया, जो आपके विचार हैं, ड्रीम्स जो आपके स्वप्न हैं, जो आपने सोचे हैं, अगर आप क्राउड के सामने, क्राउड से मतलब है मास ऑफ पीपल है, मतलब बहुत अधिक संख्या में, जो आपके परिवार वाले हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, अगर उन लोगों के सामने, समूह के सामने, समाज के सामने आप आपके विचार और स्वप्न अगर रखते हैं तो हो सकता है कि जैसे अपन बोलते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि इसको तो कुछ नहीं आता है, नेव है, तो मूर्ख है, इसको कुछ नॉलेज नहीं है। तो इस डर से क्या हम चुप रहेंगे? नहीं, रिस्क लेना चाहिए। बिना रिस्क लिए हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। और भी उदाहरण देखिए आप कि ज़िंदगी में किस, मतलब किस किस जगह हम देख सकते हैं कि रिस्क भरा पड़ा है। टू लव इज टू रिस्क नॉट बींग लव्ड इन रिटर्न, अगर हम किसी को चाहते हैं, लव करते हैं, पसंद करते हैं, तो इसमें भी खतरा है कि हम जिसे लव कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बदले में वो हमको पसंद नहीं भी करे। ऐसे ही टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जिंदा रहने में भी रिस्क होता है, जीवित रहने में भी, रहने में भी डाई होने का, डाई यानी मरने का खतरा है, तो क्या हम जिंदा छोड़ देंगे? ऐसे ही टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, अगर हम आशा करते हैं किसी से तो इसमें भी खतरा है कि हमको बदले में डिस्पेयर मिले, निराशा मिले, कि हमारी आशाएं सामने वाला पूरी ना करे। हम किसी से आशा करते हैं कि वो हमारे हेल्प करेगा, मदद करेगा, ठीक है, हम जितना उनका सम्मान करते हैं वो भी हमें करेगा, कितनी आशाएं हो सकती है, होप हो सकती है, पर बदले में सामने वाला भी हमें उतना ही रेस्पॉन्स दे न दे, तो इसका मतलब कि हम आशा नहीं करेंगे जीवन में, करनी चाहिए। निराशा मिल भी सकती है तो उससे डरना नहीं चाहिए। ऐसे ही टू ट्राई इज टू रिस्क फेल्योर, हम जब कोशिश करते हैं तो उसमें असफलता मिलने का, फेल्योर होने का रिस्क होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्राई ही ना करें। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, यानी रिस्क इतने सारे जो एग्जाम्पल से भी अपन ने देखे हैं, सब जगह रिस्क है जीवन में, हर जगह अपन कहते ही हैं कि एक काम करेंगे, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो जीवन में पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि पॉजिटिव बनिए, सकारात्मक बनिए, नेगेटिव से डरना नहीं है।
नेगेटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव के डर से हम पॉजिटिव का बेनिफिट खो सकते हैं। जैसे कि रिस्क नहीं लेंगे तो क्या होगा, जीवन में ग्रेटेस्ट हैजार्ड होता है। हैजार्ड मतलब होता है सबसे बड़ा खतरा, कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम रिस्क नहीं लेंगे कि इससे ये हो सकता है, तो ये जीवन में सबसे बड़ा कुछ नहीं करना भी सबसे बड़ा खतरा है। पॉइंट यही मेन बात कहना चाह रहा है कि सबसे बड़ा जो खतरा है, हैजार्ड है, वो ये है कि हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं हम मर नहीं जाए तो क्या जीना छोड़ देंगे, कहीं वो हमारा बदले में रेस्पॉन्स नहीं दे तो क्या हम प्रेम नहीं करेंगे किसी को, कि क्या हमारी भावनाएं समझ जाएंगे तो क्या हम अपनी भावनाएं दबा के रखेंगे। मतलब ये नहीं होना चाहिए कभी। यही कहना चाह रहा है कि जो व्यक्ति, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो रिस्क नहीं लेते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं जीवन में, हैज नथिंग, न उनके पास कुछ होता है और न वो कुछ हैं, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग, और वो कुछ बन ही नहीं सकते हैं। जो रिस्क नहीं ले सकते हैं वो जीवन में कुछ बन ही नहीं सकते हैं। दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, वो ये सोचते होंगे कि हम रिस्क ले करके रिस्क लेंगे तो हमारे को कोई सोरो होगा, दुख होगा, परेशानियाँ होगी, उससे हम बच सकते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन ये उनकी जो सोच है उसमें ये है कि अगर वो रिस्क नहीं लेते हैं तो बिना रिस्क लिए वो न तो सीख सकते हैं, न वो कुछ महसूस कर सकते हैं। ज्ञान कैसे होता है, जब अनुभव नहीं लेंगे, फील नहीं करेंगे, तो खुद नहीं करेंगे तो फील कहाँ से होगा। ऐसे ही न उनकी लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है, एक पटरी पर चल रहे हैं वो जैसे, और न उनका कुछ डेवलपमेंट होगा, न वो खुद बढ़ेंगे। ग्रो होने से मतलब यहाँ जैसे वृद्धि होना है, उनके नॉलेज की वृद्धि हो सकती है, अमीरी हो सकती है, हर क्षेत्र में ग्रो होना है। न वो किसी से मतलब लव कर सकते हैं सच्चे अर्थों में, न वो सही ढंग से जीवन जी सकते हैं। हर जगह रिस्क है, जो रिस्क लेता है वही सब कुछ हासिल कर सकता है जीवन में। जैसे चेन बाय देयर सर्टिट्यूड, एक जो ये बहुत बड़ा फ्रेज है कि जो लोग होते हैं वो सर्टिट्यूड से बंधे होते हैं। सर्टिट्यूड का मतलब होता है जैसे सर्टनली ये होके रहेगा, जैसे अपन कहते हैं ना किस्मत में लिखा है, तो जो लिखा है वही होगा। तो ऐसी भावनाओं से, ऐसी मेंटेलिटी से जो बंधे हुए होते हैं वो एक तरह से उनसे स्लेव के समान है, गुलाम है, जो अपने दिमाग की ऐसी थिंकिंग से, जंजीरों से बंधे हुए हैं, और वो उनकी आज़ादी को भी एक तरह से फॉरफिट कर देते हैं, खो देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र है, आज़ाद है, मुक्त है, तो वही व्यक्ति जो अपने जीवन को आज़ादी से जी सकता है जो रिस्क लेता है। इसलिए जेनेट्रेन ने इस कविता के द्वारा हमको सबको प्रेरणा दी है कि हमें रिस्क लेना चाहिए, और रिस्क लिए बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। हर कार्य की शुरुआत में भी रिस्क जरूरी होता है, जैसे कि अभी मैंने लिया है। थैंक यू।